तो वहीं कांग्रेस के एसटी एससी के चेयरमैन रह चुके आनंद कुमार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हुए हैं। आनंद कुमार को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता संजय सर्राफ ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली सरकार राजनीति में लगातार धर्म पर लड़वाने का काम कर रही है। दिल्ली में माहौल खराब हो चुका है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर दंगा होता है तो आम आदमी पार्टी सरकार केंद्र पर जिम्मेदारी डाल देती है। संजय सर्राफ ने कहा कि दिल्ली सीएम के घर के बाहर प्रदर्शन करने का हक सभी का है। सीएम का आवास सरकारी है, वहां प्रदर्शन करने का हक सभी का है। वहीं उन्होंने कहा कि अमरनाथ में ऑनलाइन बुकिंग होनी चाहिए, ये हम जम्मू के उपराज्यपाल को कहना चाहते हैं। राजनीति को राजनीति के तौर से ही राजनीति करो, मेहरबानी करके यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को आपस में लड़वाने का काम मत करिए। दिल्ली आज अकेले आप चीफ मिनिस्टर नहीं बने हैं, आपसे पहले भी पिछले 70 साल से दिल्ली में बहुत लोग चीफ मिनिस्टर थे और आगे भी बहुत हो जाएंगे। आप ये झूठ बेईमानी करके मुसलमान को उसके तरीके से उसको फंसाने का काम करना, हिंदू के यहाँ पर दूसरा फंसाने का, ये सब चीज़ों से राजनीति नहीं चलती है। दिल्ली में बहुत माहौल खराब हो चुका है। देखिए दिल्ली के वोटर ने जब वोट डाला, हमने चीफ मिनिस्टर को वोट डाला, हमें नहीं पता है केंद्र का क्या है स्टेट का क्या है। हमें पता है कि हमें यहाँ पर सबको मिल बांट कर प्यार से खूबसूरती के साथ सबको रहना है। जम्मू एंड कश्मीर में अमरनाथ जी यात्रा अभी स्टार्ट हो रही है। हम आपके मीडिया के माध्यम से जम्मू कश्मीर के LG साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, होम मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करना चाहते हैं, जो अमरनाथ जी यात्रा स्टार्ट हो रही है, जैसे माता वैष्णो देवी में यात्रा स्टार्ट होती है वहां ऑनलाइन बुकिंग होती है हेलीकॉप्टरों की, चॉपर की, उसी तरीके से अमरनाथ जी में भी ऑनलाइन बुकिंग हो।